कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही जी। बहुत जल्दी लौट आए मास्टर जी। मन नहीं लगा, क्या बात है? आप गई नहीं, शीला की चुन्नी चढ़ने वाली थी। किस मुंह से जाती, रोशन करता तो भी समझ में आता। स्कूल के मास्टर जब कहते थे हवेली राम जी कुलभूषण ही आपका असली बेटा है, तो सुन के सीना फूल जाता था। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे बेटा कहते भी शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं अब भी कहती हूँ मास्टर जी, समझाओ उसे। अब समझा के क्या करना है, शीला का रिश्ता तो कहीं और हो गया। तो क्या एक बदनाम आदमी की बच्चन लड़की से शादी करने दोगे उसे? आप उसे समझाओ मास्टर जी, वो आपकी बहुत इज्जत करता है। इज्जत करता होता तो ये ना बताती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप उससे बात करो, आप तो चुपचाप एक किनारे जा बैठे हो। बैठा नहीं हूँ, बैठा दिया गया। तो उठो और अपनी सही जगह लो, बाप बन के बात करो उससे। अभी तो मेवालाल जी के यहाँ गया हुआ, वहां से लौटे तो बात करना। मेरी खातिर मैंने तुम्हें कभी माफ नहीं करना भूषण, तुम्हारा दिया दुख भी लौटाना है तुम्हें। ये क्या फाड़ दिया मास्टर जी? सत्यवीर और रोशन के नाम जो पहले चिट्ठी लिखी थी वो फाड़ दी। अब उन्हें बुलाकर भी क्या फायदा? भूषण आ रहा है। मेरी तो तबीयत ही नहीं होती उससे बात करने की। बाप का फर्ज कैसे भूल सकते हो मास्टर जी?
पिताजी। आपने मेरे को याद किया? तूने नहीं किया, मैंने कर लिया। तेरी माताजी जोर दे रही हैं, वरना मैं सयाने बच्चों से बहस करने के हक में नहीं। पुत्र, तू क्यों हमें शर्मिंदा करने पर आमादा है? शीला के लिए ना कर देना कोई ऐसा पाप है कि आप शर्मिंदा होते रहे? मैं उससे भी ज्यादा शर्मिंदा इसलिए हूं कि तूने विलायत जाने की लालच में अपने आप को बेच दिया। मैं मेवालाल जी से कर्ज ले रहा हूं, एक एक पैसा उतार दूंगा उनका। तू मेवालाल जैसे भ्रष्ट आदमी के साथ कोई मतलब रखने कैसे लगा? क्या मॉडर्न होना भ्रष्ट होना है? आप पुराने ख्यालात वालों को तो सब नए ख्यालात वाले भ्रष्ट नजर आते हैं। दीन और ईमान नया पुराना नहीं होता भूषण, चाहे ट्रेडिशनल नजरिए से देखा जाए चाहे मॉडर्न। मेवालाल एक भ्रष्ट आदमी है। आपको तो हर कामयाब आदमी भ्रष्ट लगता है। इंसान की कामयाबी इसी में है कि हर प्रलोभन के बावजूद आखिरी दम तक इंसान बना रहे। तेरे पिताजी समझौता परस्त होते तो आज मेवालाल जी से चौगुने रईस होते। मैं कोई पिताजी से कम उसूलों वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने ना कामयाबी को अपना उसूल नहीं बनाना है। इनकी तरह मुझे पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, इनकी तरह नहीं। सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में जाया की, लेकिन उस पार्टी में नहीं गए जिसे पंजाब में पावर मिली। वो जमींदारों की पार्टी है और ये जनता के आदमी है। कांग्रेसियों में पिताजी इसलिए अछूत थे कि इनकलाबी है, और इनकलाबियों में इसलिए कि कम्युनिस्ट नहीं। पिताजी, ना तो आप कभी कुछ हुए और ना तो किसी को होने देना चाहते हैं। इनके लिए हार ही जीत है, ना कामयाबी ही कामयाबी, लंगन ही सबसे बड़ा भोग है। तेरे से किसी ने राय नहीं मांगी है पिताजी के बारे में, सुना? मैं मास्टर हवेली राम इससे ज्यादा कभी बनना नहीं चाहा। और पुत्र, तू कितनी ही दलीलें दे ले, इससे कम भी बनने को तैयार नहीं हूं। मेरी बदकिस्मती पिताजी कि मैं आप जितना महान नहीं हूं, लेकिन मैं विलायत जरूर जाऊंगा और जरूर ICS बनूंगा और जरूर मेरे और आपसे दगा करने वाले ताया जी को दिखा दूंगा कि उनसे बड़ी ताकत मेरे पास है। मेरे को यह सुन सुनकर संतोष नहीं होता कि ताया जी बेईमान है और पिताजी महान। चुप कर भूषण, तेरे को कर्ज लेना है तो ले, लेकिन कर्ज लेने की यह शर्त कैसी कि मेवालाल जी की बेटी से शादी कर? इसमें शर्त की क्या बात है? मैं आप लोचन से शादी करना चाहता हूँ। तेरे जैसा शरीफ लड़का उसे पसंद कर ही नहीं सकता। पराई घर की लड़की के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन ये कि दुनिया उसे और उसकी माँ को बदचलन कहती है। दुनिया तो आपको भी। भूषण, मेरा मतलब था कि ताया जी तो मेरे को माफ कर दीजिए माता जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आप लोगों ने भी तो घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। कहना तो तू बहुत कुछ चाहता होगा पुत्र, लेकिन हमने अब और नहीं सुनना है। जा, तू भी करा घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी। लोचन पुत्र, तू तो हद करने लग पड़ी है, अभी तक सोई हुई है। तो क्या हुआ? विदा नहीं करना तेरे को? You mean to say, I have to go and live in Vichho Valley? शुरू में तो रहना ही पड़ेगा वहाँ। मैंने नहीं रहना गली कूचों में। माता जी, लोचन को जल्दी तैयार करो, बाराती बेचैन होने लगे हैं।
दफा करो उन बेचैन बरातियों को, हमने तो यहीं से सीधे शिमले चले जाना है हनीमून पर। वो तो नहीं हो सकता, समझा करो लोचन, इतनी सारी सेरेमनीज बाकी हैं। ओह दिस सिली सेरेमनीज। चल उठ पुत्र, जल्दी से विदाई वाला जोड़ा पहन ले। ओ लॉर्ड, फिर वही फैंसी ड्रेस। भूषण पुत्र तू चल, मैं अभी से तैयार करके लाती हूँ। मेरे ख्याल से अब इसे आराम करना चाहिए। चल दीदी राम, तेरे वर्गी मेहनती सास के राज में तो इसे आराम ही आराम होना है। अच्छा लाजो मैडम। यहाँ बाथरूम किधर है? क्या करना है बीबी रानी? नाना है। चल मैं दिखा देती हूँ, पानी आप भर लाना पड़ता है। चल मैं भर लाती हूँ, तू तौलिया साबुन ले आ। ये बाथरूम है? यही नहाते हैं हम। ऊपर से खुला है? ऊपर से कौन देखना है, तू नहा ले बेफिक्र होके। क्या हुआ बीबी रानी? बहुत बदबू है। अरे मैंने अभी धो देना है पानी से। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं नहा सकती। At last, we're alone. Lochan, sweetheart. तुम खड़ी क्यों हो गई अनारकली? हम इस समय प्यार के चंदोबे के नीचे हैं, यहां शहनशाह का कानून लागू नहीं होता, यहां की रीत कुछ और है। आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। स्टेज इंस्ट्रक्शंस, सलीम अनारकली को बिठाता है। लोचन, अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं होता मेरे को। और मेरे को अपनी बदकिस्मती पर। तुम मेरे से शादी होना अपनी बदकिस्मती मानती हो? ओ ना, डोंट यू पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं हनीमून विछरवाली में मना रही हूँ। इतनी घिनौनी चुड़ैलों ने मेरे को यहाँ मुंह दिखाई में छुआ कि अब तक सिरन हो रही है। नाना चाहते हो बाथरूम नहीं? बाथरूम तो है। एक कोने में लगे टाट के पर्दे को बाथरूम कहते हो? फ्रैंकली भूषण, तुम यहाँ रह कैसे लेते हो? मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ। मैं यहाँ ना पैदा हुई और ना ही मेरा यहाँ मरने का इरादा है। तुम कल ही मेरे साथ मम्मी जी के पास चलोगे, हमने वहीं रहना है। But darling, माताजी पिताजी को यहाँ अकेले पड़ जाना है, और मेरे दोनों छोटे भाई भी तो गुरुकुल में हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी इकट्ठे तो रहते हैं, मेरी मम्मी जी बेचारे बिल्कुल अकेले हैं। परसों तो तुम्हें पैर फेरने के लिए जाना ही होगा। पैर समथिंग के लिए नहीं, हमेशा के लिए। लोचन, मुझे आप यहाँ घुटन महसूस होती है, लेकिन फिलहाल यही मेरा घर है, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरा घर तुम्हारा घर है, पति परमेश्वर है। Now if you don't mind, ये रोशनी बंद कर दो, मैं थकी हुई हूँ। लोचन, आखिर तुम क्या चाहती हो? लोचन, फिलहाल मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे को छोड़ मत। For heaven's sake, आज हमारी सुहाग रात है। सुहाग रात के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर वाहियात है। And now let me sleep. जिस दिन मैं तुमसे किनट कॉलेज के बाहर पहली बार मिला था, उस दिन से मैं बराबर तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सब कुछ पा जाने और खो देने का सपना देखता आया हूं। मिलन की ये घड़ी मिठास में डूबी होनी चाहिए लोचन, इसमें करवाहट ना आने दो। ये कोई प्ले वे हो रहा है? अपने डायलॉग बंद करो और बिजली भी। लोचन, अब और डायलॉग नहीं। आईसीएस हो जाने पर मेरे को बंगला मिल जाना है, थोड़ा सब्र रखो। तब तक तुम भी सब्र रखो। ऐसा ना कहो लोचन, आई लव यू, आई नीड यू, I desire you. Then do something to deserve me. मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा तुम यहाँ के बदबूदार बाथरूम को प्यार करते हो। ये झूठ है। तो साबित करो कि तुम मेरे को प्यार करते हो। कहो तो सितारे तोड़ लाऊं। उतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है,
ये पैर समथिंग सेरेमनी के बाद मेरे को मम्मी जी के यहाँ छोड़ाओ ना डार्लिंग, फिर हम वहीं से हनीमून के लिए चले जाएंगे। मेरे को लव करते हो तो इतने सोच में क्यों पड़ते हो? ठीक है। That's like a good boy. यही बुनियाद। लाजो जी, मैं तो चला ट्यूशन पढ़ाने। क्या बात है, आज आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? उदासी नहीं तो। बीबी रानी को भी यहीं बुला लेती? वो तो सोई पड़ी इस वक्त। सुबह भी 8 बजे उठी थी जब भूषण उसके लिए चाय बना के ले गया था। चाय पी के उठने की आदत है, मेरे को तो आती भी नहीं वैसी चाय बनानी। हम तो दूध लस्सी वाले जमाने के हैं लाजो जी, अब तो चाय कॉफी वाला जमाना आने लगा है। आने दो, मैं चलता हूं। भूषण, वो तो बाजार गया है, कुछ चाहिए? चाय? मैं अभी मास्टर जी को बता रही थी कि मुझे चाय बनानी नहीं आती। सुबह भी कुलभूषण ने बनाई थी। मैं जानती हूँ कि पहले साल बहू से कोई काम नहीं कराते, लेकिन चाय तो तेरे को ही बनानी पड़ेगी। रसोई में सारा सामान रखा है। मैंने तो रसोई की सूरत भी नहीं देखी आज तक। हमारे यहाँ तो बावर्ची है। जी मिस्टर कुलभूषण यही रहते हैं क्या? वो तो बाजार गया है सब्जी लेने। जी लोचन घर पर होगी? हाँ जी हैं। आप जरा बताइएगा कि कंवर मिलने आया। क्या काम था जी? जी एक पैगाम देना था। आप थोड़ी देर बाद आ जाना, इस वक्त घर पे कोई मर्द है नहीं। लोचन मुझसे पर्दा नहीं करती। रिश्तेदार हो? हाँ जी। जी क्या रिश्ता है? जी वो कौन है? अरे कंवर तुम? लोचन, तुम इन बहन जी को समझा दो कि तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है। ओ, ये फैमिली फ्रेंड है। आओ कंवर। एक्सक्यूज मी। ये रहा तुम्हारी आजादी का पैगाम। बंबई से तुम्हारे लिए एक फिल्म ऑफर आ गया, चलना है? ऑफ कोर्स। तो टिकट बुक करो। ओ, लेकिन कवर मेरे को तो शिमला जाना है हनीमून के लिए। हनीमून बंबई जाके मना लेना, और इस टिमुरे को भी साथ ले लो। माता जी ये लीजिए। लोचन अभी नहीं उठी? कोई कंवर कंवर करके आया है, उसी से बात कर रही है। वहां नहीं, अपने कमरे में। अपने कमरे में मेहमान क्यों बैठाया? ये तो वही जाने पुत्र। आइए आ जाइए आ जाइए, यूं न रह रह कर इन्हें तरसाइए। वाह साहब, आप अच्छे खामिद हैं कि शादी के अगले रोज ही सब्जी को बीवी पर तरजी दे बैठे। आपको जहमत ना हो तो बैठक पे तशरीफ रखें। अम्मा जहां बैठ गए हजरत कमर वही बैठक है, और जहां लेट गए वही बेडरूम। स्टेज पर टेंस होना ठीक नहीं भूषण, रिलैक्स रिलैक्स। तो लोचन तुम भूषण के साथ सब फिक्स कर लेना, तो मिलेंगे फिर
बंबई वाली गाड़ी में, तुम, मैं और ये भी। बाय। कंवर को यहां क्यों बिठाया? ड्राइंग रूम में ले जाती। यहाँ बाथरूम ही नहीं है, ड्राइंग रूम की खूब कही। और वो यहाँ पलंग पर बैठा था। तो क्या फर्श पर बैठता? यहाँ कौन सोफे पड़े हैं? अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने गेस्ट को कायदे से रिसीव करूं, तो कायदे का घर लो। और ये बंबई वाली बात क्या कर रहा था? भूषण डार्लिंग, जबरदस्त खुशखबरी है, मेरे को बॉम्बे से फिल्म ऑफर आया है। कमल मेरे को अपने साथ ले जा रहे हैं, अगले हफ्ते तुम भी साथ चलोगे, हनीमून वही कर लेंगे। हनीमून में कंवर के साथ होने का क्या मतलब? और तुमने मेरे से पहले कभी नहीं कहा था कि तुम फिल्मों में काम करोगी। तुम्हें पता नहीं कि मैं एक्ट्रेस हूँ। कॉलेज के प्ले में पार्ट लेना एक अलग बात है। पहले तो उसमें भी लड़कियां हिस्सा नहीं लेती थी, लड़के लड़कियों का रोल कर लेते थे। Now please listen to me, लोचन, films are out। क्या सुनना है? कंवर से जलते हो तुम। मेरी बात सुनो लोचन, मैं माता जी पिताजी से तुम्हारे साथ खून माफ करवा सकता हूँ, लेकिन लेकिन ये नहीं। उन्हें ये बर्दाश्त कभी नहीं हो सकेगा कि इस घर की कोई बहू फिल्मों में काम करे। इस घर में अब रह कौन रहा है? फौरन लौट जा बिच्छू वाली। डैडी जी से आप और डरने लग पड़े हो। मैं फिल्म हीरोइन हो जाऊं फिर आपको उनके पैसों की क्या जरूरत है? फिल्मों में भी जनानियों को कुछ नहीं मिलता, सुना? चंद दिनों की वाहवाही, जिंदगी भर की तबाही। मैं तो ये चाहता हूँ कि भूषण ने लोचन से शादी की है तो अब साथ निभाए।